तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं, ये हमारी जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग है। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग को कॉस्टिंग को कैसे ड्राइव आउट किया जाता है, यानी कि इसमें जो आपका फ्रेमिंग है, इसके जो सेक्शंस हैं, इसके जो मेम्बर्स हैं, आपका बोर्ड है, एक्सेसरीज है, तो क्या क्या कंपोनेंट इसमें यूज होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रिव्यू कराता हूँ जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में यूज होने वाले मटेरियल्स के बारे में। सारे मटेरियल्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, मैं वन बाय वन हर एक चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो आप ये बोर्ड्स देख रहे हैं, ये आपके जिप्सम के बोर्ड्स हैं जिसकी थिकनेस 12.5 mm थिक की है। और ये मार्केट में दो साइजेस में अवेलेबल है, एक है आपका 8x4 feet और दूसरा है आपका 6x4 feet। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, जिप्सम बोर्ड की सीलिंग के लिए हमें करनी होती है फ्रेमिंग। और फ्रेमिंग में हमारे ये जो चार सेक्शंस हैं ये यूज होते हैं। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, और इसका साइज है 20x28 mm। और ये हमारा वॉल के साथ चारों तरफ वॉल में पेरीमीटर के थ्रू ये लगाया जाता है। और जिस लेवल पर हमें सीलिंग करनी हो उस लेवल पर इसको हमें फिक्स करना होता है। इसके बाद में जो अगला मेंबर आप देख रही हैं, ये है हमारा हैंगर एंगल, और इसका हमारा साइज होता है 20x25 mm का। और ये हमारी सबसे मेन वर्टिकल सपोर्ट होती है जिसके बेस पे ये पूरा जो फ्रेम बनेगा जो आपका रेस्ट करता है। तो इस एंगल को हम लोग यूज करते हैं एज ए वर्टिकल सपोर्ट जिस पर हमें पूरा जो फ्रेम है उसको रोकना है। इसके बाद में हमारे बचते हैं दो सेक्शन। इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट सेक्शन और इसको हम लोग बोलते हैं सीलिंग सेक्शन। अब जो आपका सीलिंग का मेन फ्रेम बन के तैयार होगा, जिसमें जो मेन मेंबर है, जो आपका सबसे हैवी मेंबर है, वो है ये वाला। इसका साइज है हमारा 45x15 mm और इसकी थिकनेस है 0.9 mm की। और बाकी के तीनों सेक्शन आपके कितने हैं, 0.5 mm की थिकनेस के हैं। इसके बाद में जब ये वाला फ्रेम आपका बनके रेडी हो जाएगा, यानी कि ये वर्टिकल सपोर्ट आ गई और ये आपका हॉरिजॉन्टल का मेन मेंबर लग गया, अब उसके बाद में आपको लगाना होता है ये सीलिंग का सेक्शन। और इस सीलिंग के सेक्शन का साइज है आपका 80x26 mm और इसी सेक्शन के ऊपर हमें फिक्स करना होता है ये आपके जिप्सम बोर्ड। अब इनका कनेक्टिंग का प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक जो मेंबर है ये आपका 100 feet cleat, यानी कि ये जो क्लीट है ये आपकी RCC की सीलिंग में जाके फिक्स हो जाती है। और वर्टिकल वाले होल के थ्रू इस हैक्स बोल्ट के थ्रू ये वाला मेंबर हमें नीचे उतारना होता है। और जो सीलिंग में जो हमारा फास्टनर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रावल प्लग, जो कि हमारा कुछ इस टाइप का होता है। इसके बाद में जब हम लोग फ्रेमिंग को वर्टिकल से नीचे उतार देते हैं, तो हमें ये मेंबर और ये मेंबर आपस में इंटरकनेक्ट करना पड़ता है, जिसमें हमारे स्क्रू यूज होते हैं मेटल टू मेटल स्क्रू, यानी कि ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं, ये वाले स्क्रू हमारे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। और इसके बाद में जब हमें ये सेक्शन इस वाले फ्रेम में इंटरकनेक्ट करना होता है, तो हमारी वहाँ पर लगती है ये कनेक्टिंग क्लिप, ये वाली जो क्लिप के थ्रू इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। जब हमारा पूरा फ्रेम बन के रेडी हो गया, ये वाला सेक्शन हमारी सीलिंग के सबसे बॉटम में आ जाता है, यानी कि सबसे नीचे, तो फिर हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं बोर्ड को। और बोर्ड को लगाते टाइम हम लोग लगाते हैं ये ड्राई वॉल स्क्रू, यानी कि जिप्सम के बोर्ड को जब उस सेक्शन के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो आपके ये ड्राई वॉल स्क्रू लगते हैं। और ड्राई वॉल स्क्रू लगाने के बाद में जब आपका एक बेस फ्रेम बन के रेडी हो जाएगा, जिसमें बोर्ड भी फिक्स हो गए हैं, तो बोर्ड के जो भी जॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर हमें करनी होती है ये प्रोफिल जॉइंटिंग कंपाउंड को यूज, यानी कि उसके जो भी गैप्स हैं उनको हमें फिल करना होता है, तो उसमें हमारा ये कंपाउंड यूज होता है। और लास्ट में हमें करनी होती है उसकी टेपिंग, ये आपका फाइबर ग्लास टेप है जिसको हम लोग यूज करते हैं जॉइंट्स को सील करने के लिए। तो इतने मटेरियल्स हमारे जिप्सम बोर्ड की सीलिंग में यूज होते हैं। अब इन्हीं मटेरियल्स के बेस पे हम लोग करेंगे प्रॉपर कॉस्टिंग एंड रेट एनालिसिस। तो चलिए चलते हैं रेट एनालिसिस की तरफ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जिप्सम बोर्ड की सीलिंग के रेट एनालिसिस के बारे में, जिसकी जो एक प्रॉपर वर्किंग है वो मैंने इस एक्सेल की सीट में कर रखी है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी मटेरियल्स मैंने अभी आपको रिव्यू कराए थे, तो उन सभी मटेरियल्स को मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किया है, और इसका जो भी मार्केट का प्राइस है प्रिक्योरमेंट का, उन प्राइसेस को मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। यानी कि अगर आपका जो जिप्सम बोर्ड है 4x6 फीट का, इसका प्राइस है 350 रुपये पर पीस, तो यहाँ पर मैंने इसको स्क्वायर फिट में कनेक्ट कन्वर्ट कर लिया है डिवाइड बाई 24 करके। अब आपके जो भी सेक्शंस थे, इंटरमीडिएट चैनल, सीलिंग सेक्शन, पेरीमीटर चैनल, एंगल हैंगर, इसकी जो मार्केट में स्टैंडर्ड लेंथ है ये 12 फीट की लेंथ में मिलते हैं, और उनके जो पर पीस के प्राइस हैं वो मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। अब इसको क्या किया है मैंने, पर रनिंग फीट में कन्वर्ट कर लिया है, जिसके बेस पे हमें क्या करना है, रेट एनालिसिस करना है। तो इन अमाउंट्स को मैंने सभी को 12 से डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद में जो छोटी छोटी एक्सेसरीज थी, जैसे कि सॉफिट क्लीट का बॉक्स है जिसमें 50 पीस आते हैं, इसका प्राइस 300 रुपए के आसपास है, तो एक क्लीट आपकी अप्रोक्सीमेट 6 रुपए की पड़ती है। आपका रावल प्लग है यानी कि जो फास्टनर है, उसके बॉक्स में 100 पीस आते हैं, तो वो बॉक्स अप्रोक्सीमेट 950 रुपए का है, तो 10 रुपए के आसपास हमारा एक रावल प्लग पड़ता है। मेटल टू मेटल स्क्रू जिसमें के बॉक्स में हमारे 500 पीस हैं, तो ये हमारा 600 से 650 रुपए के आसपास है, तो ये हमारा 150 रुपए के आसपास का एक स्क्रू पड़ता है। ड्राई वॉल स्क्रू हो गए जिसके बेस पे हमें जिप्सम बोर्ड को फिक्स करना है, एक बॉक्स में आपके 1000 पीस हैं और 500 रुपए के आसपास एक बॉक्स की कॉस्ट होती है, तो 50 पैसे का एक स्क्रू है। तो ये जो भी आपके मटेरियल्स के प्राइस हैं ये मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो इस सीट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो और प्रॉपर इसको फिर आप गो थ्रू कर सकते हो। इसके साथ में जो हमारी जिप्रॉक की जो टीम है, जो हमारी जिप्सम सीलिंग की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है सेंट गोबेन, तो उन्होंने एक सीलिंग स्पेसिफिकेशन सीट बनाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं ये फ्रेमिंग के अरेंजमेंट्स, उनमें क्या क्या मटेरियल्स हमारे यूज हो रहे हैं, उसकी असेंबली क्या है, तो इन चीजों को बहुत प्रॉपर उन्होंने बताया हुआ है, और जो भी मटेरियल्स इसमें यूज हो रहे हैं तो उनकी प्रॉपर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को इन्होंने इसमें कवर किया है। तो इस सीट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करके प्रॉपर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ रेट एनालिसिस को। तो सबसे पहले जो ये आप आइटम लिखी हुई देख रहे हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड आइटम होती है एच पर CPWD, यानी कि बहुत सारे BOQ के आइटम्स में ये आइटम आपको देखने को मिल सकती है जिप्सम बोर्ड की सीलिंग के लिए। अब इसमें जो हम रेट एनालिसिस करेंगे, इसके लिए हम लोग एक रूम ले लेंगे, रूम का साइज है हमारा 12 फीट बाई 15 फीट, जिसका साइज है 3.6 बाई 4.5 मीटर, एरिया है हमारा 175 स्क्वायर फीट के आसपास। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा। तो जिप्सम बोर्ड हमारा कितना है, 12.5 mm थिक का है, तो एज इट इज 175 स्क्वायर फुट ले लेंगे जितना भी हमारा सीलिंग का एरिया होगा। रेट हमारा कितना था, 14.50 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो यहाँ पर हमारी जिप्सम बोर्ड की कॉस्ट आ जाती है। इसी के ऊपर हम 5% वेस्टेज को लोड कर देंगे। अब बोर्ड की कॉस्ट निकालने के बाद में हमें निकालनी होगी इन मेंबर्स की कॉस्ट को। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो इंटरमीडिएट चैनल है इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं, इसमें जो आपका रेड वाला सेक्शन है यानी कि ये इंटरमीडिएट सेक्शन है, तो इसकी लेंथ को हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी जो स्पेसिंग हमारी यूज होती है यानी कि जो उसकी डिस्टेंस है आपस में, ये आपके 4 फुट की डिस्टेंस पे लगते हैं, और जो भी आपकी रूम की लॉन्गिट्यूडनल लेंथ होगी यानी कि सबसे जो लेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में इसको लगाना होता है। अब हमारा रूम का साइज है 3.6 डिवाइड बाई, अब जब 4 फीट करोगे तो ये आपके 3 मेंबर निकल के आएंगे, तो वही 3 मेंबर एज इट इज मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3.28, इसको मैंने रनिंग फिट में कन्वर्ट कर लिया, और पर रनिंग फिट का प्राइस है मेरा 23 रुपए, तो 1030 रुपए का मेरा इंटरमीडिएट सेक्शन है। इसके बाद में हमें चाहिए होगा सीलिंग सेक्शन, यानी कि जो येलो वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसमें, ये जो नीचे लगा हुआ है जिसके ऊपर बोर्ड हमारा फिक्स है, तो ये हमारा है सीलिंग सेक्शन, तो इसको हम लोग निकालेंगे, और इसकी जो आपस में डिस्टेंस है ये 2 फीट पे है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारी ये वाली जो लेंथ है कितनी है, 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर को जब आप 600 mm से डिवाइड करोगे तो ये आपके 7 मेंबर निकल के आएंगे, और 7 मेंबर कितनी लेंथ में लगेंगे, ये 3.6 वाली लेंथ में लगेंगे, तो वही मैंने यहाँ पर किया हुआ है 3.6 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3.28, और इसका जो प्राइस है आपका कितना है, 21 रुपए रनिंग फीट है। इसके बाद में हमें निकालना होगा पेरीमीटर चैनल, और पेरीमीटर चैनल हमारा कहाँ पर लगा हुआ है इसमें, ये जो ब्लू वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, यानी कि जो भी रूम की डायमेंशन होंगी तो उनको हमें आपस में
जोड़ देना है। तो यानी कि ये ब्लू वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा पेरीमीटर की लेंथ आएगी। तो 3.6 दो बार, 4.5 दो बार, तो मेरी 16.2 रनिंग मीटर के आसपास हमारा ये पेरीमीटर आ रहा है। और 16.2 मल्टीप्लाई बाई 3.28, तो 53 फीट के आसपास आपका ये चैनल लगेगा। और इसका प्राइस है 14 रुपये रनिंग फीट। तो ये आपका अमाउंट यहाँ पर पेरीमीटर का निकल गया जाता है। अब इसमें लगाना होगा आपको स्टील एंगल हैंगर, यानी कि ये जो सपोर्ट जो आपको दिख रही है, ये जो वर्टिकल मेंबर दिख रहे हैं जिसके बेस पे पूरा फ्रेम हैंग किया गया है, तो इसके लिए जो मैंने लेंथ पकड़ी है 600 mm की। और इसके लिए आपको नंबर्स कितने लेने हैं, क्योंकि इसकी भी जो डिस्टेंस है वो आपकी 4-4 फीट पे है, और इसकी जो वॉल से जो डिस्टेंस रहेगी वो 2 फीट पे रहेगी। तो ये आपके इस रूम में कितने आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं। तो 12 को मैंने क्या किया है, 12 मल्टीप्लाई बाई 0.6 जो ड्रॉप है आपका 600 mm का, और मल्टीप्लाई बाई 3.28, तो 24 रनिंग फीट। और इसका यहाँ पर प्राइस कितना है लिया हुआ है हमने, 8 रुपये रनिंग फीट, जो कि मैंने यहाँ से निकाला हुआ है। तो यही प्राइस हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो 190 रुपये का आपका एंगल हैंगर हो गया। इसके बाद में जितने भी आपकी ये जो आप देख रहे हैं मेंबर्स का जो हैंगिंग का अरेंजमेंट होगा, तो यहीं पर आपकी क्या लगेगी, 100 फिट की क्लीट लगेगी। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं ये जो है इसके टॉप पे जो लगी हुई है ये 100 फिट क्लीट, और उतना ही आपका ये रॉल पे लगा हुआ है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर ले लिया है रेट एनालिसिस में। ये देखिए 100 फिट क्लीट मैंने ले ली यहाँ पर, 12 नंबर, 6 रुपए की हमारी एक क्लीट है, तो ये हमारा हो गया 71 रुपए। इसके बाद में रावल प्लग सेम एज इट इज नंबर आएंगे, ये भी मैंने यहाँ पर ले लिए। इसके बाद में आपको चाहिए होंगे मेटल टू मेटल स्क्रू। अब मेटल टू मेटल स्क्रू कहाँ लगेगा आपका, जब ये एंगल हैंगर इस आपके इंटरमीडिएट से कनेक्ट होगा इस वाले पॉइंट पे, तो ये देखिए यहाँ पर आपके मेटल टू मेटल स्क्रू लगे हुए हैं, और 2 स्क्रू आपको लगाने होते हैं हर जंक्शन पे। तो 12 दूनी 24 मैंने यहाँ पर किया हुआ है, और इसका जो प्राइस है ये मैंने ऊपर से लिया हुआ है अप्रोक्सीमेट 1.5 रुपए के आसपास। तो ये आ गया आपके मेटल टू मेटल स्क्रू की कॉस्ट। इसके बाद में आपको लगाना होगा ड्राई वॉल, जो जिप्सम का बोर्ड है वो किस में लगाना है आपको, इस सीलिंग सेक्शन में लगाना है। और जिप्सम बोर्ड को लगाने के लिए आपको चाहिए होंगे ड्राई वॉल स्क्रू, जिसकी कंजम्पशन आती है पर बोर्ड पे 25 से 30 नोज। तो आपके जो इसमें बोर्ड बनेंगे अप्रोक्सीमेट 8 बोर्ड बनेंगे, क्योंकि जो टोटल एरिया है आपका 16.2 और बोर्ड है आपका 1.2 बाई 1.8। जब आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका कितने, 7.5, यानी कि 8 बोर्ड बनते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 30, तो इसका प्राइस है हमारा 50 पैसे, तो 127 रुपए के हमारे लग जाएंगे इसमें ड्राई वॉल स्क्रू। इसके बाद में आपको चाहिए होंगी कनेक्टिंग क्लिप्स। कनेक्टिंग क्लिप्स हमारी कहाँ पर लगेंगी, जहां पर भी हमारा सीलिंग का जो हमारा सेक्शन है और इंटरमीडिएट के सेक्शन को आपस में ज्वाइंट करने के लिए। ये जो रेड कलर की वायर देख रही हैं ये हमारी कनेक्टिंग क्लिप है, यानी कि ये वाली क्लिप जो हमारी लग रही है। इसके बाद में हमारा अगला मटेरियल क्या है, जॉइंट फिलिंग कंपाउंड, जिसकी कवरेज होती है हमारी 200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 20 ग्राम पर स्क्वायर फीट। यानी कि बोर्ड्स के जो जॉइंट बनेंगे तो उनमें हमें ये कंपाउंड को फिल करना पड़ता है, क्योंकि वो जॉइंट हमें सील करने हैं। तो यहाँ पर हमारा एरिया है 175 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाई 20 ग्राम, तो ये मेरा मटेरियल निकल के आता है 3.5 kg, और पर केजी का प्राइस है हमारा 26 रुपए 90 पैसे, क्योंकि इसका जो एक बैग है ये 650 रुपए के आसपास का है, जिसमें आपका मटेरियल होता है 25 kg। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 25 से, तो पर केजी का अमाउंट मेरा ये निकल के आता है। तो यही अमाउंट मैंने एज इट इज यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये फिलिंग कंपाउंड हो गया। अब कंपाउंड फिल करने के बाद में आपको उन ज्वाइंट्स को सील करना होता है, जिसमें आपका लगता है ये ज्वाइंटिंग टेप। और जॉइंटिंग टेप का मैंने पूरा एक रोल लिया हुआ है। एक टेप में आपकी जो लेंथ आती है 90 मीटर के आसपास आती है, तो 170 रुपए के आसपास आपका जॉइंटिंग टेप का रोल है। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, टेप लगाने के बाद में उस जॉइंट में फिनिशर यूज करना होता है, यानी कि एक टाइप से पुट्टी करनी होती है 2 कोट की। तो जिसकी कवरेज आएगी, अगर आप ओवरऑल पूरे सरफेस पे करोगे, पूरी सीलिंग पे करोगे, तो उसकी कवरेज बनती है 10 से 12 स्क्वायर फीट पर केजी, यानी कि जो 1 केजी मटेरियल होगा वो इतना एरिया कवर करेगा। तो मैं क्या करूंगा, 175 स्क्वायर फीट को मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं, तो 17.5 kg मेरा मटेरियल यूज हो जाएगा, जो हमारा फिनिशर में यूज होगा। और इसका प्राइस भी अप्रोक्सीमेट हमारा फिलिंग वाले कंपाउंड के ही बराबर रहता है, तो 471 रुपए का हमारा फिनिशर हो गया।
इसके बाद में हमें चाहिए होगा प्राइमर, यानी कि जब हमारा बेस सीलिंग का बन के रेडी हो जाएगा, हमारी सैंड पेपरिंग हो जाएगी, सारे जॉइंट्स के लेवल को प्रॉपर मैच कर लिया जाएगा, तो फिर हम वहां करते हैं प्राइमर के 2 कोट। और 1 लीटर जो प्राइमर है हमारा, वो अप्रोक्सीमेट 2 कोट में उसकी कवरेज होती है 90 से 100 स्क्वायर फीट की। तो 2 लीटर प्राइमर हमारा इसमें कंज्यूम हो जाएगा, और प्राइमर का प्राइस है हमारा ₹108 per liter, क्योंकि इसकी 20 लीटर की जो बकेट आती है ₹2150, और इसको मैं 20 से डिवाइड करता हूं तो ₹108, तो ये वाला जो प्राइस है हमारा आ जाता है। तो इसके बाद में हमें क्या करना होगा, उसमें जो मिसलेनियस टूल्स हैं, आपकी स्कैफोल्डिंग है, और जो भी एक्सेसरीज उन्होंने वो लोग यूज कर रहे हैं, तो उसकी एक एवरेज जो परसेंटेज है, मैंने यहाँ पर 5% लोडिंग ले ली है ओवरऑल पे। इसके बाद में आपको चाहिए होगी लेबर, जिसमें आपके जिप्सम सीलिंग के पूरे अरेंजमेंट, फ्रेमिंग, फिक्सिंग का काम, प्लस पुट्टी एंड प्राइमर। तो कंप्लीट इसका जो रेट है ₹20 से ₹22 per square feet है मार्केट में, और एरिया है हमारा 175 square feet, तो ये वाला अमाउंट हमारा लेबर का निकल के आ जाता है। और इस पूरे को हम क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा ₹11,961 टोटल कॉस्ट बनती है। इसके ऊपर हम लोड करेंगे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो कि हमारा 2% है, फिर हम इसका टोटल कर देते हैं। और 12,200 के ऊपर हमें क्या लोड करना होता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड, जो कि हमारा 15% के आसपास है। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट बन रहा है हमारे इस रूम के एरिया के सीलिंग के लिए 175 square feet के लिए ₹14,030। तो इसको मैं क्या करूंगा, अब पर स्क्वायर फिट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसको जब मैं 175 square feet से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर प्राइस आ रही है ₹80, जो कि एक जस्टिफाइड प्राइस है आपकी जिप्सम की सीलिंग के लिए। इसके बाद में पर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 10.764। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, अभी तक हमने जो भी एक्सेसरीज, चैनल्स, ये जो भी हमने ड्राइव आउट किए हैं, वो हमने एक एक्यूरेट लेवल पे किए हैं, बट इनमें आपकी वेस्टेज भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है, 15%, 20% भी वेस्टेज हो सकती है। वो डिपेंड करेगा रूम के साइजेस पे, उनकी लेंथ, उनके शेप्स, तो इन चीजों में इसकी कॉस्टिंग आपकी कभी कभी इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए आप कभी भी कोई एक जस्टिफाइड प्राइस देखोगे, तो उसका जो जिप्सम सीलिंग का प्राइस है ₹1,150 per square meter या फिर ₹1,050, तो इतने प्राइसेस में भी इसकी कॉस्टिंग चली जाती है, क्योंकि वो एक्सेसरीज की जो आपके कंपोनेंट्स हैं, वो इनकी लोडिंग की वजह से होता है। तो आप भी का जो भी एक एक्यूरेट प्राइस निकल के आए, तो एटलीस्ट 10% एक्स्ट्रा करके आप लोडिंग लेके चलें। तो ये एक मेथड है, एक तरीका है, और जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था इस छोटी सी वीडियो में, वो मैंने बताया, और आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो और प्रॉपर इसको फिर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अगर कोई क्वेरी रह रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रिड सीलिंग के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।